तो ये व्लोग है आज का। हम 5-6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से लद्दाख के लिए। मैं और मेरी टीम हम सब शूट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह सुबह का फ़्लाइट था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा हैक्टिक भी था बिकॉज़ मॉर्निंग में जल्दी उठना इट्स सो डिफ़िकल्ट। कृपया ध्यान दीजिए, ले की ऊंचाई के कारण आप पहुंचने के पहले भी बीमार महसूस कर सकते हैं। तो मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से लद्दाख के लिए 3 आवर का और हम 3-3.5 घंटे बाद लद्दाख में लैंड कर चुके हैं। माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारे थे यार, ऊपर से बादल पहाड़। आई एम तो सुपर डुपर एक्साइटेड, मैं इतनी खुश हूँ अंदर से, इतनी खुश हूँ कि मैं जल्दी बस बाहर निकली और मैं देखूँ ये जगह कितनी खूबसूरत है और आपको दिखाऊँ थोड़ा रिकॉर्ड करके कि यहाँ पे मैं कैसे नज़ारे देख रही हूँ। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं बैग वैग लेकर, तो हमारी टीम को पिकअप करने के लिए यहाँ ऑलरेडी कोई आया हुआ है। वेल, हम पहुँच गए हैं होटल रूम और ये 5-6 दिन के लिए हमारा रूम रहने वाला है। क्वाइट नाइस, यहाँ मैं, हाय, हेलो। वेल, मैंने चेंज कर लिया है और थोड़ा यहाँ का व्यू देखते हैं। सच, ओ माय गॉड, आप देख रहे होंगे ना कितने कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बैठे हुए हैं तो कुछ खा लिया जाए बिकॉज़ आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आराम कर लिया है। अब ब्रेकफास्ट किया नहीं था फ़्लाइट में, तो थोड़ा ब्रंच हो जाए बिकॉज़ लंच टाइम हो गया है ऑलरेडी। ओ माय गॉड, ये मेरी खिड़की से व्यू दिख रहा है। ओह माय गॉड, स्नो है वो ऊपर पहाड़ पे, बर्फ। क्या आ रहा है इसमें, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं। पहले अभी मैं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ और रात के 9-10 बजे हुए हैं। मेरा फ्रेंड है जिसकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है लद्दाख में, और उसने स्टोरी देखकर मेरा मुझे मैसेज किया कि चलो पूनम है लद्दाख में तो अगर आसपास होगी तो मिल लेते हैं। और लकीली मैं उसके पास में थी, लाइक 15-20 मिनट के गैप में, तो वो मुझसे मिलने आया हुआ है यहाँ पर। अब मैं उससे नीचे मिलने के लिए जा रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपका मेरा वो फ्रेंड कौन है। वेल, वो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, हम एक साथ पढ़े हुए हैं। चलिए मैं आपको उससे मिलाती हूँ। ये है वो बंदा। ये वाली तो मैं स्टोरी डालूंगी। तो मेरा मेरा फ्रेंड खा नहीं रही है। ओह गॉड, ये तो सच्चे मुझे बच्चे वाली फील दिलवा दी मुझे। अरे यार, अभी लेट नाइट कुछ मिला नहीं ना, तो इजी मिला। वाओ, चॉकलेट्स, मैंगो
भी है, एप्पल है और क्या है, क्रैनबेरी है, और एक चीज और है, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। ये बहुत सारी चीजें लेकर आया तू, बट एना तू ये वापस लेकर जा, चॉकलेट और केक मैं नहीं खाती, लेकर जा। The next day. तो यहाँ पे हम लोकल एक गाड़ी बुक किया होटल से, और अब हम जा रहे हैं मार्केट के लिए। बताया गया है कि यहाँ आसपास एक बहुत अच्छा मार्केट है, तो चलो मार्केट की भी सैर कर ली जाए, बिकॉज़ आज का दिन ऑफ है। आज हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बस आराम करना है। इससे अगले दिन भी हमें आराम करना है, तो हमने सोचा आज हम बाहर जाएं, मार्केट घूमें, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करें। बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाने की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, यहाँ का लोकल फूड, लोकल फ्रूट्स। तो हम सब यहाँ से मार्केट के स्टार्ट होता है। वाओ यार, काफ़ी खूबसूरत है, और ये गली टाइप में है, लगभग 2-3 किलोमीटर के अराउंड होगा यहाँ ये एरिया मार्केट का। वाओ सच ब्यूटीफुल यार, मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ का मार्केट। वेल यहाँ पे धूप आपको दिख रही है, लेकिन इतनी धूप हमें लग नहीं रही, बिकॉज वेदर वैसा है, यू नो यहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है। हमने कपड़े भी थोड़े गर्म वाले कपड़े पहन रखे हैं। मार्केट तो देखो यार कितना प्यारा है। इतना प्यारा कैसे लग सकता है, इसमें जान भी नहीं, फिर भी कितना प्यारा है। सी, ओह माय गॉड, Bollywood light set up here. You know, and they had a big production. और ये हम मार्केट घूम कर होटल वापस आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा दिन था, और यहाँ पे होटल वाले कुछ यू नो टीवी देखने के लिए डिनर टाइम सेटअप कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बैठकर अपना चाय पी रही थी। लेट नाइट तो नहीं हुआ है, लाइक 7 or 8 o'clock हो रखे हैं लगभग। यहाँ पे हम कुछ गानों की सेटिंग कर रहे हैं कि कौन सा गाना सुनना चाहिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है सोने का। और मैं अपना ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले व्लॉग में आप देखोगे लद्दाख का हमारा शूट जो होगा, और ट्रैवल जो रहेगा लेह लद्दाख में, उन सब के मैं आपको बिहाइंड द शूट वीडियोज़ दिखाऊँगी।